किसने सोचा होगा कि दुनिया में सबसे सुखद चीजों में से एक माना जाने वाला सेक्स किसी शख्स के लिए एक सजा भी बन सकता है। जी हाँ, इंडोनेशिया के एक 50 साल के व्यक्ति के लिए सेक्स बुरा सपना बन गया है। इस व्यक्ति को हाल ही में सेक्स के दौरान एक अत्यंत दुर्लभ पेनाइल फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा। इलाज के दौरान डॉक्टरों को उस वक्त में एक्लान विकृति के बारे में पता चला, जो कि एक बेहद ही दुर्लभ बीमारी होती है, जो आमतौर पर तब होती है जब लिंग में सेक्स के दौरान फ्रैक्चर जैसा महसूस होता है। इस स्थिति में लिंग पार्टनर की वजाइना से बाहर निकल जाता है और उनके जननांगों के विपरीत मुड़ना शुरू हो जाता है। इनसाइडर ने बताया कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्जरी केस रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक पेपर में इसे लेकर एक आर्टिकल छपा है। जिन डॉक्टर ने उस व्यक्ति का इलाज किया, उन्होंने इस एक्सीडेंट की घटनाओं का विवरण दिया और बताया कि उन्होंने इस शख्स को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कैसे उसका इलाज किया। रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने बताया, रोगी को अपने साथी के साथ सेक्स करते समय लिंग में एक क्रैक सा महसूस हुआ। वह उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गए। उन्होंने महसूस किया कि व्यक्ति ने अपना इरेक्शन खो दिया और उनके प्राइवेट पार्ट्स में खून जमा हो गया है। जब डॉक्टर ने उस आदमी के लिंग की जांच की तो उन्हें उस शख्स के पेनिस में एक रक्त का थक्का मिला, जो उसके सिरे से उसके अंडकोश तक चला गया था। इसके अलावा मूत्र मार्ग में भी क्रैक था, जिसका अगर इलाज नहीं किया जाता तो वो मूत्र प्रवाह को अवरोध कर सकता था। सर्जरी के बाद उन्होंने आदमी को आर्टिफिशियल इरेक्शन देकर उसके लिंग का टेस्ट किया। क्योंकि उसे लिक्विड पदार्थ के रिसाव या घुमावदार लिंग जैसी कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे 5 दिनों के लिए अस्पताल में आराम करने के लिए भेज दिया था। इस दौरान घर पर अगले 21 दिनों तक डॉक्टर ने उसे उस व्यक्ति को एक कैथेटर के माध्यम से पेशाब करने के लिए कहा, जो उन्होंने उसके मूत्रमार्ग में डाला था। ये घटना युवाओं के लिए एक चेतावनी है, इसलिए इस मुद्दे से संबंधित सभी सवाल के जवाब आकाश हेल्थ केयर के डॉक्टर विकास अग्रवाल और फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल के डॉक्टर अनुप गुलाटी ने दिए हैं।